मुझे याद है मैं गुजरात में था जी। गुजरात की तो एक स्थिति अलग थी, तो वो उदाहरण सारे देश में काम नहीं आ सकते। लेकिन उच्छल निजर करके एक बहुत दूर का एरिया, वहाँ से एक बार डेलीगेशन मिलने आया, बोले हमारे यहाँ रोड का कुछ कीजिए ना। मैंने कहा क्या बात करते हो यार, मैं तुम्हारे यहाँ स्कूटर पे आया हूँ, रोड तो है तेरे यहाँ? नहीं नहीं बोले साहब, रोड तो है, हमें पेवर रोड चाहिए। एक जमाना था लोग क्या मांग करते थे पॉलिटिशियन से, मेमोरेंडम देते थे MLA क्या, कि भाई जब अकाल होगा, अकाल में जो लोगों के राहत के काम चलेंगे तो हमारे यहाँ जरा मिट्टी डलवा देगा था गांव के लोग। आज वो सिंगल पट्टी है तो डबल मांगते हैं, डबल है तो पेवर रोड मांगते हैं। और रोड मैप का जहाँ तक सवाल है, पाँच से तीन ये रोड मैप के बजाय देखना चाहिए 11 से 5 आने का रोड मैप, 3 में कितना बढ़ेगा। 11 से 5 आना हम आ गए, 5 से 3 सबसे चैलेंजिंग होता है, यानी आपको एक स्टेज के बाद बड़ा चैलेंजिंग बनता है, बहुत चैलेंजिंग बनता है। और मेरा पक्का विश्वास है कि 10 साल में जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जो ग्राउंड पर काम किया है और सरकार में एक जो विश्वास बना है, एक अपने आप में बड़ी ताकत होता है। जैसे आज चुनाव चल रहे हैं, मैं गुजरात में, मुझे मालूम है 2002 में मेरी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह मेरे खिलाफ थी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि मैं जीत सकता हूँ। लेकिन साथ में 70-80% को लगता था कि नहीं यार, जब तो वापस आएंगे तो उनका काम करने का तरीका, तो वो छुट्टी पे नहीं गए, ड्यूरिंग इलेक्शन भी काम किया। वरना जैसे आचार संहिता आ जाती है तो उनका वैकेशन शुरू हो जाता है पूरी सिस्टम का। मैं इस बार देख रहा हूँ मेरी पूरी सिस्टम काम कर रही है, कोई छुट्टियों पर नहीं गया, मैंने सबको बहुत बड़ा टास्क दिया हुआ है और वो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैंने आज सरकार बनाई हो। इसका मतलब हुआ कि मेरी टीम बहुत ही उत्साह और उमंग से भरी हुई है, तो बहुत तेज़ी से मैं काम कर पाऊँगा।